हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन आप बेटिंग कर सकते हो, ये स्ट्रेटजीज अपनाओ कि भाई आप पैसे कमा सको, कि वो पेयर में आता है, आप पेयर में पैसे लगाओ, आप रेड एंड वाइट में पैसे लगाओ, आप ऑड इवन पे पैसे लगाओ, और अगर आप हार गए तो आप प्रोग्रेशन कर दो। प्रोग्रेशन का मतलब होता है 10 रुपये हार गए तो 20 रुपये लगा दो नेक्स्ट डील पे, 20 रुपये हार गए तो 40 रुपये लगा दो, 40 रुपये हार गए तो 80 रुपये लगा दो। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है। तो अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, ये काम होता है एक प्रोग्रेशन का, कि हाँ आप एक बच सकते हो लॉस से, बट मार्केट किसी की सगी नहीं है। वो कई बार ऐसा आपको धोखा दे जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप डबल 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 करते जाओगे और आपका अकाउंट कहाँ उड़ जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये लोग जो आपको अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि देखो जी हमने लाइव दिखा रहे हैं आपको कि लाइव देखो ऐसे हमने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, हमारा इतना बैलेंस था, इतना हो गया, ये लोग क्या है, वीडियो को अपने पॉपुलर करने के लिए, अपने वीडियोस पे लाइक्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट शॉट आपको दिखाते हैं। कई बार आप जिस वीडियो देखोगे तो उसमें आगे पीछे की वीडियोस आपको दिखेगी। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने पहले आगे का दिखाया, उसमें उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने उसको बैक में ले गया, कोई और शॉट दिखा दिया जिसमें उसका प्रॉफिट हुआ। तो वो तो आपको यही दिखाएगा कि भाई अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बताने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी को पॉपुलर करने के लिए, या उससे लोग, अब उसमें क्या रेफरल लिंक भी होता है, वो अपना रेफरल लिंक नीचे दे देगा, आप उस रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपने जो पैसा डाला या जो भी आपने शेयर लिया या कॉइन लिया तो उसका कमीशन उसको मिलेगा। तो ये सब उनके बिजनेस करने के तरीके हैं कि हाँ भाई वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट फंसता कौन है? आप, क्योंकि आप ना समझो, जो नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों, उन्होंने तो बोल दिया भाई ऐसे ऐसे डील ले लो और ऐसे ऐसे उसको हारते जाओ तो डबल करते जाओ, या ऐसे स्ट्रेटजी चेंज कर दो, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आप हो सकता है पहले 1-2 दिन कमाओ, आप 2 दिन कमाओ, 3 दिन कमाओ, और चौथे दिन आपने मान लो आप 1,000 के 1,500 के, चौथे दिन आपके कब 500 रुपये बैलेंस रह जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। भैया अगर हर कोई इतना अच्छी तरह कमा लेता तो कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को नौकरी करने की, अपना मज़े से ऑनलाइन कमा ले। ठीक है, मेरा मानना, मैंने भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया ऑनलाइन गेमिंग का, गेमिंग से पैसे कमाने का, तीन पत्ती एंड ऑल, ड्रैगन टाइगर कैसीनो रोलेट सब मैंने ट्राई किया। मेरा एक्सपीरियंस ये है, ठीक है प्रोग्रेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, और सही बताऊँ तो आप पैसा कमा ही प्रोग्रेशन से सकते हो, नहीं तो आपका अकाउंट वहीं के वहीं घूमता रहेगा। रिस्क तो है ही है, रिस्क के बिना तो देखो अब बंदा तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। ऐसे तो अगर एक सब्जी बेचने वाला है ना, वो भी रिस्क लेता है, वो सुबह 10 किलो आलू और 10 किलो टमाटर लेके आता है, और वो अगर ये सोचने बैठे कि हाँ भाई मैं शाम को बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, तो वो काम कर ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी आपको नहीं लानी। हाँ, प्रोग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहा था, बट आप अगर मान लो एक डील में हार गए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप एक डील में हार गए, आप उस वक्त प्रोग्रेशन मत करो। हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जब हम प्रोग्रेशन कर रहे होते हैं, जब हम कोई हार रहे होते हैं, मानो प्रोग्रेशन करी, अब वो जब तक वो डील ख़त्म नहीं होती ना, हम प्रोग्रेशन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। अब जो भी एक मार्केट में कंडीशन आई, या वो टेबल पे कंडीशन आई, वो चेंज पता नहीं कब हो, 6 बारी, 8 बारी, 10 बारी, मैंने रूलेट में देखा है 15-15 बारी तक एक नंबर आता रहता है। आप कब तक डबल करोगे? 10 रुपये से स्टार्ट हो गया, आपका 15 बारी डबल करोगे तो 15,000 हो जाएगा, जो आप डबल करते जाओगे तो। और 15,000 लगाने के बाद भी कमाओगे क्या? 10 रुपये। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो लॉस हो चुका आपका। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप प्रोग्रेशन कीजिए, बट एक डील अगर आप हार गए, आप उस वक्त एग्जिट हो जाइए कि हाँ भाई मैं हार गया या जीत गया, चाहे आपने 20 रुपये की डील लगाई थी या 50 रुपये की डील लगाई या 10 रुपये की डील लगाई, वो आपकी पॉकेट अलाउ करती है जी आप कितनी की डील लगाते हो, कितने का लॉस झेल सकते हैं। आप प्रोग्रेशन कीजिए, आप हार गए, आप उस वक्त एग्जिट हो जाइए उस सिचुएशन से, और उसके बाद जब कोई नेक्स्ट, आप जो भी स्ट्रेटजी कर रहे हो, मैं स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा जी, मैं बस खेलने का तरीका बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी कोई भी अपनाओ, कोई स्ट्रेटजी बुरी नहीं होती, कोई स्ट्रेटजी बुरी नहीं होती जी, सब स्ट्रेटजी सही होती है। हमारा लालच और हमारी नीड और हमारे वो हारने का डर उस स्ट्रेटजी को बुरी बना देता है।
तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे एक डील हार गए, आप एग्जिट हो जाओ, उसके बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद दोबारा जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हो उसकी जो सिचुएशन आप बने, तो उसमें वो प्रोडिक्शन करके डील लगाओ। अगर आप एक ही सिचुएशन को बार बार उस पर डबल करते जाओगे तो वो आप वहाँ पे फंसोगे, मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा, बाकी आप इसको भी अप्लाई करने से पहले एक बार डेमो में ज़रूर देखें, उसके बाद ये लाइव में अप्लाई कीजिए। ऐसे ही मेरे कहने से मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए अपना। ऐसा नहीं कि कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई और बंदा हो, मैं हूँ, कि बस मैंने बोल दिया ठीक है भाई ये बंदा तो ग्रेट है और इसकी अप्लाई कर दो, इसने कमाया हम भी कमाएंगे, ऐसा नहीं। अपना दिमाग लगाओ, डेमो में लगाओ। मैंने भी अपनी कॉपीज़ बना रखी हैं, मैं कॉपी पे पहले उसका नोट करता हूँ कि हाँ भाई ये अगर मैं ऐसा लेता तो क्या होता, अगर ऐसा लेता तो क्या होता। उसके बाद मैं कम से कम 100 डील 200 डील देखता हूँ, उसके बाद ही मैं लाइफ पे उसको लाता हूँ ताकि मेरा लॉस ना हो, अगर हो भी तो कम हो। तो अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए और खूब कमाइए, ऑनलाइन कमाइए। लॉकडाउन में लोगों को यही सिखाया है कि भैया ऑनलाइन कमाओ, ऑनलाइन कमाना बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, खुद को भी मेंटेन रख पाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।